السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخين. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، पहला सवाल ये था कि शेख, कुछ हम कभी कभी कुछ लोगों को बोलते बोलते हुए सुनते हैं शेख कि आमीन सुम्मा आमीन बोलते हैं शेख, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बोलने का तरीका जायज है शेख? बहुत से दाई भी बोलते हैं शेख जैसा कि। जी शेख, देखिए आमीन का मतलब होता है अल्लाहुम्मा इस्तजिब, अल्लाह ताला तू कबूल फरमा। तो जैसे हमने बोला अल्लाह ताला तू कबूल फरमा, अल्लाह ताला तू फिर कबूल फरमा, तो इंशाल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसमें इतना गुलू करते हैं, इतना मुबालगा करते हैं कि ऐसे लगता है कि सिर्फ आमीन बोलने से काम नहीं चलेगा, वो मतलब सुम्मा आमीन उसी का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, आमीन बोलना ये काफी है, आपने बोल दिया आमीन ये काफी है, सुम्मा आमीन ये उसी की ताकीद है, गोया कि अल्लाह ताला से आप दो बार दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमा, अल्लाह ताला फिर कबूल फरमा। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि दो बार बोलेंगे तभी वो दुआ होगी। अगर ऐसा समझ रहे तब गलत है, एक बार बोलना काफी है, आप दो बार बोलिए, तीन बार बोलिए, चार बार बोलिए, ये दुआ है। असल दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला आप दरखास्त कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह इसे कबूल फरमा, आप जितनी बार चाहे बोल सकते हैं,